प्रधानमंत्री ने किया मन की बात कार्यक्रम। कारगिल दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा पाकिस्तान ने की थी भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना के हौसले की हुई जीत। कारगिल विजय के पूरे हुए 21 साल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शाह ने कहा कि ये दिन देश के गौरव और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक। राजस्थान में सियासी उठापटक का 17वां दिन, होटल में विधायकों से फिर मिले सीएम गहलोत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पुनिया ने कहा, कुर्सी की भूख ने आपको बना दिया लोभी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बोले मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, फिर देखता हूँ। सरकार तीन पहियों वाली, लेकिन गरीबों का है वाहन। राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवनों के बाहर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। कोरोना के संकट के चलते होगा ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में परीक्षा पर विवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट में यूजीसी ने कहा, महाराष्ट्र सरकार रद्द नहीं कर सकती फाइनल एग्जाम्स, जल्द करवानी चाहिए परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। सीएम योगी के दौरे के बाद एक्शन में आया प्रशासन, देर रात तक अधिकारियों की चली बैठक। कर्नाटक में ईद के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। मस्जिद में एक साथ 50 लोग ही नमाज कर सकेंगे अदा, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ख्याल। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 13,85,522 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 8,85,576 लोगों ने दी कोरोना को मात। इस वायरस ने अब तक 32,063 लोगों की ली जान। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में कम हुए कोरोना मरीज। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, घर पर ही हो रहा इलाज। सीएम का ट्वीट, बेड ऑक्यूपेंसी में आई कमी। 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया होगी शुरू। अनलॉक के तीसरे चरण में भी लॉक ही रहेंगे मेट्रो, ट्रेन और स्कूल। पिछले 2 चरणों में मिली थी कई रियायतें। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीन और भारत की सेना। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे खींचे कदम। पेंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की हो सकती है बैठक। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला मामला आया सामने। महामारी के करीब 7 महीने बाद संदिग्ध मिला मरीज। तानाशाह किम ने साउथ कोरिया से सटे शहर में लगाई इमरजेंसी। नेपाल में फिर मचा बवाल। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग, सड़कों पर उतरे लोग। चीफ जस्टिस पर हत्या के दोषी डीआईजी की सजा माफ करने का है आरोप। जोनल रेलवे को भेजा गया आदेश, खर्च घटाने के लिए रेलवे ने बंद की अंग्रेजों की जमाने की डाक मैसेंजर सेवा, अब डिजिटल तरीके से भेजी जाएंगी फाइलें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया भारत में निवेशकों को लुभाने का तरीका, कहा निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की है जरूरत। इस साल अब तक भारत को $40 अरब का मिल चुका है FDI। सौरव गांगुली के समर्थन में बोले श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगकारा, कहा ICC चेयरमैन बनने के लिए गांगुली सबसे सही व्यक्ति, उनमें क्रिकेट की है गहरी समझ। खेलो इंडिया गेम्स पर कोरोना का असर, इस साल होने वाला कार्यक्रम हुआ रद्द। 2021 में ओलंपिक्स के बाद होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स कर रहे अक्षय कुमार के जन्मदिन पर फिल्म रिलीज की तैयारी। फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं एक ट्रांसजेंडर का किरदार। पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी लक्ष्मी बॉम्ब। अच्छी फिल्में नहीं मिलने पर बोले AR रहमान, कोई गैंग है जो मेरे खिलाफ फैला रहा अफवाह है। सुशांत मामले के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तेज हुई नेपोटिज्म की आवाज़।